अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद खान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस AKS असद खान। जी, आज हमारे पास एक ये सैंपल आया हुआ है। हम इन सब की क्वालिटी वगैरह चेक करेंगे। ये आप देख लीजिए, मल्टी रीजन का है ये। अच्छी प्रोडक्ट है इनकी। 130 से 140 रुपए पर किलो मिल रहा है इनका माल। और ये है मेरा गिलू बना हुआ है और ये भी हमारा गिलू बना हुआ है। तो इन सबकी अब ज़रा फिजिकल अपीरेंस चेक करेंगे, इनकी क्वालिटी चेक करेंगे और इनकी बाइंडिंग चेक करेंगे। जी, ठीक है, ये कंपनी का माल है। ठीक हो गया, ये देख लें, ये देख इसकी कंडीशन आप देख लें। और अब ये मेरा 22% सॉलिड बेस वाला ग्लू बना हुआ। जी, इसकी क्वालिटी आप चेक करें ज़रा। ठीक है, थोड़ा सा और ये हमारा प्योर गिलू है। ये हमारा रिएक्टर से बना हुआ गिलू है और इसके सॉलिड हैं, इसके भी सॉलिड 22% है, मगर ये सिर्फ रिएक्टर टैंक में बना हुआ है ना। अब इसकी क्वालिटी आप थोड़ी सी चेक कीजिएगा। जी, ये होगा हमारा ब्रांड, ये हमारा बना हुआ है ये भी, और ये भी हमारा बना हुआ है। अब इसमें एक चीज चेक ये करनी है, ये देखिए ये, ठीक है, ये देखिए इसमें भी कुछ, इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ ग्राइंडिंग के ना सही प्रॉपर नहीं हुई और डिस्पर्ज नहीं हुआ इसके अंदर अभी पूरा आपका मटेरियल की ग्राइंडिंग हुई है इसकी। फिजिकल अपीरेंस भी अच्छी है और बिल्कुल गिलू बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। ये देखिएगा, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको मज़ीद। जी, ये भी रिएक्टर टैंक से बना हुआ गिलू है, ठीक है, मगर ये भी लो कॉस्ट में ही है। प्राइस आप मेरे से मैसेज करके या मुझे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखिए, आप बनाना चाहें, आप ये कोल्ड प्रोसेस है, ये वाला गिलू भी बना सकते हैं। अब ये जो गिलू बना हुआ है ना कंपनी का, ये कंपनी का गिलू बना हुआ है, ये कोल्ड प्रोसेस से ही बना हुआ है, रिएक्टर टैंक वाला माल नहीं है ये। जो कहता है वो मैं नहीं मानता, अगर वो कोई इसको रिएक्टर वाला माल बनाए ना कहे। ठीक हो गया, और ये वाला, ये कोल्ड प्रोसेस से मैंने बनाया है रिएक्टर टैंक के बगैर, ये वाला रिएक्टर टैंक में बना हुआ है माल, है लो क्वालिटी का मगर रिएक्टर टैंक में क्योंकि बना है, तो इसकी जो है ना ग्राइंडिंग चेक करें, इसकी फिनिशिंग चेक करें इसकी। ठीक हो गया, अब हम इसको बना के देखते हैं। वुड के साथ, वुड का हमने जॉइंट लगा के देखना ज़रा। ये हम सबसे पहले ये लेते हैं जो हमारा ये बना हुआ है यूनाइटेड के नाम से। इसको जोड़ के अच्छी तरह इसको एक दफ़ा प्रेस करके, वज़न अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर वेट रख के रख सकते हैं इसको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन, तकरीबन 24 घंटे लगते हैं सिक्योर होने में, ड्राई होने में। अभी देखिए आपको ये फिल्म नज़र आ रही है कोटिंग की,
जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसकी ये फिल्म, ये अगर अच्छा गिलू होगा तो ये फिल्म कोटिंग नज़र नहीं आएगी आपको। इसी तरह अब ये वाला मेरा वाला जो गिलू है दूसरा, ये चेक करें, इसकी फिनिशिंग चेक करें, कलर चेक करें इसका, बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग है माल में। देखें कोई आपको किसी किस्म का कोई ग्रेन या कोई आपको बाइंडर या भी पी 26 या स्टार्स का कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। हालांकि ये स्टार्च बेस माल है, बी पी 26 भी है, स्टार्च भी है, और भी कुछ केमिकल ऐड किए हुए हैं इसमें। ये देखिएगा, इसको भी ऐसे 24 घंटे के लिए तकरीबन रख देंगे, मगर ये तकरीबन 10 घंटे के अंदर अंदर ये क्योर हो जाता है। ये अब ये दूसरा सैंपल है, ये जो कंपनी का हमने एक सैंपल मंगवाया था ऑल आउट के नाम से है, ये चेक करें, अच्छा है माल, ये नहीं है माल बुरा है, मगर सिर्फ आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अब इसको लगाने के बाद हम इसकी बाइंडिंग चेक करेंगे कल को इंशाल्लाह, फिर मैं आपको वीडियो में अपडेट करूँगा इसकी, फिर हमें पता लग जाएगा कि इन तीनों में से कौन सा गिलू ज़्यादा अच्छा है, किसकी बाइंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसकी फिल्म कोटिंग ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट होती है या नहीं होती, उससे गिलू की क्वालिटी पता लग जाएगी हमें। और ये देखिए, ये मैंने 18 को बनाया था, पिछले जनवरी 18 जनवरी को 22% वाला गिलू, ये वाला गिलू जो सा है। और अब देख लें आज क्या डेट है, आज 26 तारीख है, 26 फरवरी है, अब देखें तकरीबन एक मंथ से ऊपर हो गया हमारे इस माल को, इस गिलू को बनाए हुए, इस वाले मटेरियल को। तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस आप देखें, ये देखें बिल्कुल मलाई की तरह गिलू है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गिलू, ये नहीं किसी किस्म की कोई इसमें कोई स्मेल या कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है, बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, कलर वाइट है, कॉस्ट भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब इसको ही अगर हम पैकिंग में बना के बड़े लेवल पे करके आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, पैकिंग अपना अपना पाउच बनवा के, अपनी पैकिंग बनवा के, इसको बड़े लेवल पे बना के इसी फार्मूलेशन को आप मार्केटिंग करके अच्छा कमीशन बना सकते हैं, मतलब मार्जिन अच्छा है इसमें भी। और इसकी ये देखिए, इसकी ट्रांसपेरेंट फिल्म बनी थी, बहुत मजबूत इसका जॉइंट लगा है, ये काफ़ी कोशिश की है हमने इसे तोड़ने की, मगर ये जॉइंट बिल्कुल भी टूटने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये चीज़ है। और ये अब आपके सामने है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक हो गया। चलें बाकी इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट जो है अपडेट वो कल तक मैं आपको दोबारा अपडेट करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।